पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। रेकोडेक माइन का दरवाजा खुल गया। पाकिस्तान पर आए 11 अरब डॉलर जुर्माना खत्म हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी बैरिक गोल्ड के साथ 50% हिस्से पर मुआहिदा हो गया। वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा वफाकी वज़रा हम्माद अजहर और शौकत तरीन ने ऐलान कर दिया। 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुजाकरात के बाद रेकोडेक मंसूबा बहाल। सोने और तांबे के जखायर से माला माल रेकोडेक कान में दोबारा काम शुरू हो गया। पाकिस्तान पर आए 11 अरब डॉलर्स का जुर्माना भी खत्म हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। रेकोडेक पर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी बैरिक गोल्ड के साथ 50% शेयर्स पर मुआहिदा हो गया। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि ये मंसूबा पाकिस्तान को अपाहिज कर देने वाले कर्जों से आजाद कराएगा और तरक्की व खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैरिक गोल्ड मुआहदे के तहत बलोचिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगी, जिससे 8,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। मुआहदे पर 25% हिस्सा बलोचिस्तान का होगा। 8,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान और बलोचिस्तान, इससे 100 साल मुस्तफीज होंगे और ओवरऑल जो इसकी जो इनकम फ्लो है वो तक 100 अरब डॉलर से ऊपर है। वजीरे तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि जमीन से सोना निकालने का एजाज भी पीटीआई हुकूमत को गया। पाकिस्तान में माइनिंग खुलने लगी है।